खिलाड़ी बहुत बढ़िया। सोलह से बीस मई तक नेपाल में आयोजित होने वाली दसवीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए आज इंडिया जनुशिन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में चयन ट्रायल रखा गया। इस चयन ट्रायल में सात खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया, जिसमें कि इशिका मेहता सब जूनियर गर्ल्स -35 kg, कुमारी अनन्या सब जूनियर गर्ल्स -45 kg, शिवानी कैडेट गर्ल्स -40 kg और बॉयज में तन्मय श्रीवास्तव कैडेट -30 kg, आदित्य राज ठाकुर जूनियर बॉयज -60 kg, सन्नी कुमार सीनियर बॉयज -67 kg व नितेश कुमार सीनियर बॉयज -75 kg। ये सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और उम्मीद है कि पिछले बार से इस बार बेहतर पदक तालिका जो है भारत का होगा। इन सभी खिलाड़ियों के लिए रास वर्ल्ड के द्वारा जो है स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है और उम्मीद है कि पिछले बार 2022 में भारत को सिर्फ एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल मिला था, इसको गोल्ड में बदलने का पूरा प्रयास करेंगे खिलाड़ी। और बहुत उम्मीद है सभी खिलाड़ियों का भी, यहाँ का बहुत सारा उम्मीद है उनसे, क्योंकि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार उतर रहे हैं। इसी के साथ मैं सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, चेयरपर्सन इंडिया जनुशिन कराटे फेडरेशन। भारत माता की।